कोरोना पैंडेमिक के बाद अब सभी जगह सिनेमा घर खुल तो गए हैं, लेकिन अभी फिल्म मेकर्स थिएटर में अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए 10 बार सोच रहे हैं। वहीं भारतीय सिनेमा के इस साल के अब तक के सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे अभिनेता विजय सेतुपति की फिल्म मास्टर की ब्लॉकबस्टर कमाई ने हिंदी सिनेमा के तमाम बड़े सितारों के लिए बेचैनी के हालात पैदा कर दिए हैं। सब चाहते हैं कि दर्शक सिनेमा घरों में लौटे, लेकिन कोई अपनी फिल्म सबसे पहले रिलीज नहीं करना चाहता है। ऐसे में हीरो नंबर वन रणवीर सिंह की पहली मेगा बजट फिल्म को सिनेमा घरों तक लाने का आसार दिख रहा है, क्योंकि उनकी फिल्म 83 को अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की जगह सिनेमा घरों में रिलीज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिवाली के बाद से ही सिनेमा घरों के खुलने पर सबसे पहली जिस मेगा बजट हिंदी फिल्म के रिलीज होने का इंतजार दर्शक को हो रहा था, वो है अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी। लेकिन अक्षय की फिल्म लक्ष्मी ने उनकी ब्रांडिंग पर गहरा असर डाला है। साथ ही उनकी एक और फिल्म बेल बॉटम के भी सीधे ओटीटी पर रिलीज होने की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। अक्षय कुमार की 4 फिल्में सूर्यवंशी, बेल बॉटम, पृथ्वीराज और अतरंगी रे बनकर तैयार है, लेकिन किसी भी फिल्म के निर्माता की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इनकी फाइनल रिलीज डेट की घोषणा कर सके। इसके अलावा आर माधवन की फिल्म मारा नए साल की पहली ऐसी हिट फिल्म है जिसने हिंदी फिल्म निर्माताओं को भी दर्शक के बदले व्यवहार की बड़ी झलक दिखाई है। मानवीय संवेदनाओं की कहानियों की तरफ दर्शकों के खिंचाव का ही असर है कि रिलायंस एंटरटेनमेंट के भीतर अब भारतीय क्रिकेट टीम की 1983 के वर्ल्ड कप की जीत की कहानी को बड़े पर्दे पर रिलीज करने की बात शुरू हो चुकी है। इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म 83 को भी दूसरी बड़ी फिल्मों से पहले रिलीज किया जाएगा।